गाइस, ये आज से कुछ समय पहले हमने पानी के ऊपर घर बनाया था। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हमने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाया था। हमने उसे बना दिया एक हाउस बोट। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? उधर नजर डालो। वीडियो के नीचे भर भर के ही कमेंट्स है कि भाई जब आपने इतना शानदार इतना खूबसूरत घर बनाया है तो कुछ पल तो बिताओ इस घर के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर एक बार फिर से हमारे पास है वही खूबसूरत घर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस घर के अंदर 24 आवर चैलेंज। ऑलराइट गाइस, लौंडा तैयार हो? Yes! तो चलो एंकर्स डालते हैं। एंकर्स उठाओ गाइस। यार ये एंकर्स है जिससे कि घर को जहाँ पे भी रोकना हो पानी के अंदर वहाँ पे रोक सके। दूसरा एंकर वो रहा, तो चलो अब इसे लेके चलते हैं पानी के बीचों बीच में। चलो अरे 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 अरे, पानी तो रह गया। 24 आवर चैलेंज कैसे कर ले रवि पकड़। चलो बाय रवि। चला पतवार, चला 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 चला। बाबा तुम भी चलाओ। घर को लेके चलते हैं बीचों बीच के अंदर। चलो आजा कैमरामैन, आजा आजा आजा, पब्लिक को दिखाना होता है। तो गाइस यार, हो सकता है कि अभी तक आपको ये जो चैलेंज है काफी ज्यादा इजी लग रहा हो, लेकिन ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। गाइस यार, पहली चीज तो ये कि इस लेक के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी गर्मी का टाइम है और सूरज जो है बिल्कुल अपने चरम पे, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। साथ ही साथ रात के समय में यहाँ पर कई सारे जंगली जानवरों का भी खतरा है, क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पर कई सारे जहरीले सांप घूमते हैं। अगर किसी एक ने भी हमें चुम्मा दे दिया तो खेल खत्म। गाइस, इस चैलेंज के अंदर हम तीन जने और तीन जनों के लिए पूरी व्यवस्था है। घर का टूर आपको दे देता हूँ, आ जाइए। इधर पीछे की तरफ एक चारपाई रखी हुई है जिसके ऊपर की रात को हम सो सकते हैं। ये देखो, ये रही। और साथ ही साथ यहाँ पर दो जनों के लिए बैठने की व्यवस्था है जिसके ऊपर की हम चेस खेल सकते हैं। और रवि और मैं इसके अंदर एक्सपर्ट है, तो हम दोनों वो काम करेंगे। साथ ही साथ पीने के लिए यहाँ पर पानी भी है और भी कई सारी चीजें जो कि अंदर है। तो हमारे पास है डीजे, एक पंखा, स्टोव, मैगी, दूध, एक लैपटॉप, बहुत सारा सामान। गाइस अभी हम आ गए हैं झील को बीचों बीच में, तो यहाँ पर डालते हैं एंकर ताकि ये यहाँ से कहीं पर भी ना जाए। 1 2 3 उधर वाला एंकर भी डालते हैं। तो गाइस यार, अभी बजे हैं दिन के 2 और आज से अभी से ये चैलेंज शुरू हो जाता है। तो यानी कि अभी 2 बजे से हमें कल के 2 बजे तक यहीं पे रुकना है। तो लौंडे तैयार हो? तैयार। इस चैलेंज के अंदर हम तीन जने हैं, मैं, रवि और बाबा चिल। ऑलराइट गाइस, तो चलो चैलेंज शुरू करते हैं। आप इस वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बैंग बैंग। गाइस चैलेंज तो मैं, बाबा और रवि कर रहे हैं, लेकिन ये टीम देखो, इनसे रहा नहीं जा रहा बाहर। ये भी आ गए। अब आ गए हो तो आ जाओ। कम ऑन। तो गाइस ये आ तो गए हैं, लेकिन अब होगा एक खतरनाक गेम इनके साथ में। बस आप देखते जाओ, ठीक है? आ जाओ, चलो। गाइस चैलेंज तो हम तीन ही कर रहे हैं, लेकिन ये बिन बुलाए बाराते आ गए हैं यहाँ पे, तो इनके साथ कुछ करना पड़ेगा। आ जाओ, ठीक है? मैं तुमसे एक आसान सा सवाल पूछूंगा, तुम्हें उसका जवाब देना है, ठीक है? अरे घर डूब गया। अरे यार गाइस, यार इन लोगों के वजन से देखो, घर डूब रहा है बेचारा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? तो आसान सा सवाल ये है कि अपने चैनल पे अभी एग्जैक्ट कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स है? 26.7 या 8। गोविंद ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो गोविंद इस चीज के हकदार है। क्या चीज? तो गोविंद की आंख में पट्टी बांध लेंगे और उसके बाद गोविंद भाई के साथ में हम यहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। देखते कौन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आंखें बंद। ऐसी बंद हो गई आंखें। ये कितनी उंगलियां हैं? ये 5 है। ठीक है, नहीं दिख रहा है। तो चैलेंज शुरू होता है। रुको, पकड़ गोविंद, पकड़। तो पकड़ना, हाथ लगाना। हाथ लगाना कैसे? आराम से दिख रहा है। पकड़, कोई बात नहीं, दिख रहा है। लग जाएगी। लाग जली। हाँ, रोहित को पकड़ ले, रोहित को सीधा तेज।
गाइस रवि पकड़ाई में आ चुका है, गाइस रवि पकड़ाई में आ चुका है। अब पट्टी बंधेगी रवि के कपड़े खोल दो पानी में। हाँ कपड़े खोले, अपने को तो चैलेंज करना है यार। गाइस अब बारी है रवि की। टेप लगा दे, टेप टेप लगा दे चारों तरफ से, दिखना नहीं चाहिए। ठीक है छुप जाना सभी लोग, मैं बोलूँ तो। हाँ कोई धक्का नहीं लगाया। एक दो तीन पकड़ो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये तो हार गया यार, पहले ही हार गया ये तो यार। आ जाऊं? हाँ 10 तक गिनती बोल के। 1 2 3 10। A few moments later. Guys, पानी के बीच के होने का एक फायदा है कि यहाँ पे बोरियत नाम की कोई भी चीज नहीं है, और गर्मी का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि कूद जाओ। अभी रवि की बारी। रेलगाड़ी गई पानी के अंदर। अब बारी है डीजे की, और सभी अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। तैयार हो तो सबसे पहले गाना गाएंगे गोविंद भाई। गोविंद भाई गाना गाइए। हाँ गाना गाओ कोई सा भी। हाँ गाना गाओ। हेलो हेलो। हाँ माइक टेक टेस्टिंग। It was at this moment he knew he fucked up. क्या भाई क्या? चाल कमला चाल। चाल चाल कमला चाल। चाल कमला चाल। चाल कमला चाल। हेलो गाइस आई एम अंडर द वाटर। जब से मेरे नैना मेरे नैनों से आगे रे, तब से दीवाना हुआ मैं तो बदनाम। बस इतना ही गाना हमारे पास 24 आवर। क्या 7 दिन और एक हफ्ता भी बोलोगे ना ये बंदे कमाल करते। अच्छा एक काम करते हैं, अब चलते हैं, वो देखो वहाँ पे कुआ दिख रहा है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे नागिन डांस करेंगे और नागिन को बुलाएंगे। माइक बंद हो गया कोई बात नहीं, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। ये पहुंच गए हम यहाँ तक, लेकिन रस्सी खुल गई, फाइनली हम आ गए यहाँ पर। ये देखो गाइस इधर देखे ब्रो इधर। तो गाइस ये हम पहुंच गए कुएं के पास के अंदर, और अब जो है रवि अपनी करामात दिखाएगा। रवि इस कुएं के अंदर कूद के दिखाएगा। रवि कूद जा रवि।
अब देखते हैं दिनेश कूदेगा। बाबा एक बार बाबा 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 गोविंद कूदेगा तो मैं कूदूंगा। हाँ गोविंद आ जाओ। अरे चलते राइट गाइस सबको कुदा दिया अब मेरी बारी। दिस इज लाइफ गाइस। अब भाई इतना तैरने के बाद इतना खर्च करने के बाद भूख लग गई है। मैगी बनाते हैं। इट्स मैगी टाइम। ये आ गई गाइस मैगी और रवि बादशाह बनाएंगे मैगी। रवि बना मैगी गाइस। इसके अंदर डालते हैं पानी। कचरा कचरा संभाल के रखो। कचरा कोई भी यहाँ पे नहीं फेंकेगा। गाइस मैगी बन चुकी है और ये सिर्फ कहने के लिए घर नहीं, इसके अंदर प्रॉपर सुविधाएं हैं। अपने अपने प्लेट्स वगैरह ले आओ, जिसको मैगी खानी है जल्दी जाओ। कैदी नंबर 420 हाजिर है। गाइस यार यहाँ पे मजाक मस्ती करते करते कब 4 बज गई पता ही नहीं पड़ा। एक जंप और करते हैं फिर उधर लेके चलेंगे। चलो अभी एंकर हटाते, एंकर डालो इसके अंदर। चलो गाइस अभी पीछे चलते हैं वापस, एंकर निकालते हैं। एंकर पकड़। गाइस अभी चल रहे हैं वापस। बाय 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 टेक केयर बाय बाय। हम मिलते हैं आपको इसकी नहीं। आ जाओ गाइस आई एम बैक। फिर से घर पे एंट्री कर रहे हैं, जमीन पे कदम नहीं रखा अभी तक। अभी चलते हैं फिर से झील के बीचों बीच में। I'm in the game, I was on the bench. First I was rapping, now I collect the rent. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Whoa. You can get hit any day. गाइस चलते फिरते घर का एक ही नुकसान है, ये कहीं भी चला जाता है। ये देखो कांटों में चला गया। ये कांटे आ गए इधर। अबे हमें तो भी पूरी रात इसके अंदर गुजारनी है, कांटों से निकालो इसको। ये देखो गाइस घर के अंदर भी पानी जा सकता है। ये देखो घर के अंदर भी पानी जा सकता है, इसीलिए मुझे इन कमीनों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। निकलो तो निकलो, जिसको कूदना इधर आओ और कूदो। एक दो तीन पूरे घर की ऐसी की तैसी करके रख दी। यही होता है जब एक दोस्त के साथ में 4 दोस्त मिलते हैं। अरे वो दादा, अरे क्या मोबाइल में घुसा हुआ रहता है बाहर आ रहे। कितना जोरदार मौसम हो रहा है यार। शाम हो गई, जोरदार मौसम हो रहा है यार। गाइस आओ आपको दिखा रहे हैं भाई यार, कब शाम हो गई पता ही नहीं पड़ा। गाइस मून भी निकल गया। वाह यार मौसम तो शानदार हो रहा है। अरे अपने पास एक चीज है ना बाबा। गाइस इधर आओ, ये चीज कब काम आएगी। ये भाई साहब खाट निकालते हैं, खाट लगाते हैं घर के आगे और फिर नजारों का लुत्फ लेते हैं। लोग लाखों रुपए देते हैं ऐसा एक्सपीरियंस लेने के लिए और हम खुद का जुगाड़ बना के ऐसा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। बहुत मज़ेदार है यार, बिल्कुल शांति। ओ गाइस लाइट बंद करना एक बारी। आप देखो कि कितनी ज्यादा ये रात यहाँ पर हो चुकी है। ये देखो गाइस आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखो इधर कुछ भी नहीं है यार, और हम हैं इसके
झील के बीचों बीच में घर के अंदर, आपको घर भी नहीं दिख रहा होगा, वो चांद देखो, चांद दिख रहा है बस। इतना ज्यादा अंधेरा यहाँ पे हो चुका है गाइस, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और ये फाइनली ये रहा पत्थर और ये रहा स्टोव, और अब बाबा यार मैगी बना दो यार प्लीज यार, बहुत भूख लग रही है खतरनाक वाली। गाइस फाइनली मैगी बन चुकी है, अब जाके पेट के छुओ की भूख शांत होगी। बाबा और रवि प्लेट्स में खा रहे हैं, लेकिन मैं भगोने में ही खा रहा हूँ, असली मजा तो भगोने में ही आता है मैगी का। कैसे बनी? मस्त गाइस। यार हम ऐसे ही कुछ भी नहीं करते हैं, इस झील के अंदर हम वीडियो भी बनाते हैं ना, तो हम इस झील की भी देखरेख करते हैं। जब बारिश नहीं आई थी ना, क्या बताओ बाबा, बताओ अपन ने क्या किया था? तब बारिश नहीं आई उससे पहले साफ सफाई की, जितने कांटे थे, बोतलें थी, जितना भी यहाँ पे कचरा था हमने नहीं फैलाया, जो भी उड़ उड़ के आता है फिर जैसे भी यहाँ पे फैला सभी की सफाई की, झील की पूरी अच्छी तरीके से सफाई की, फिर बारिश हुई और अब झील साफ सुथरी है। हे गाइस, तो अभी जो है बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, और अपनी जो प्यारी लेक है ये देखो, अभी ये खाली है, लेकिन अभी ये कभी भी भर सकती है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। और इसके अंदर हम ज़्यादातर वीडियोस बनाते हैं यहाँ पे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे साफ़ सुथरे रखें, और इसके अंदर अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे अपन सही करें। तो हम इसकी सफाई करवा रहे हैं अभी, ये जो पूरी लेक है इसकी हम अभी सफाई करवा रहे हैं, यहाँ से जो भी पत्थर वगैरह है, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि पानी को भरावट में रुकाव देती है या फिर इस झील के लिए सही नहीं है, जो भी गंदगी वो सारी साफ करवा रहे, क्योंकि अभी बारिश कभी भी हो सकती है, इसके अंदर पानी भर सकता है। तो पहले उधर से हमने शुरू किया है, और उसके बाद में इस पूरी को साफ करवा देंगे, फिर जब बारिश आएगी और लेक भरेगी फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। अपनी जिम्मेदारी है ना यार। और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी टीम भी हमें छोड़ के जा चुकी है, अभी वहां पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे बस तीन जने हैं, ये रवि है, ये बाबा है, और ये मैं हूँ। और रात है गाइस यार, काफी ज्यादा रात हो चुकी है और घर थोड़ा सा रूखा सूखा लग रहा है, तो हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जिससे कि हम घर को सजा सके। एक ये बल्ब है देखो, इसका एक जादू है, अभी देखना, अभी ये बंद है, अभी देखना जैसे ही मैं इसे जीप के लगाता हूँ बल्ब चालू हो गया। तो एक तो हमारे पास ये चीज है गाइस, जिसके अंदर है काफी सारी लाइटिंग्स, ठीक है, तो इन्हें जलाते हैं और इनसे सजाते हैं घर को। तो अभी सजावा कर दिखाते हैं गाइस, अब देखो वो भी लग रहा है ना अपना होम स्वीट होम गाइस यार, लाइटिंग लगाने के बाद इसके अंदर चार चांद लग गए हैं, देखो यार कितना ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है ये, देखो चारों तरफ से। और गाइस यार बाहर से इसका लुक देख के तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल पसंद करोगे गाइस, आ जाओ कम ऑन गाइस यार, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो, वाओ यार। इस झील के किनारे रात के टाइम में हम दोनों भाई खेल रहे हैं चेस, देखते हैं कि कौन जीतता है। उससे पहले मैं आपको टाइम बता देता हूं कि अभी टाइम क्या हो रहा है, सुनना गूगल व्हाट्स द टाइम नाउ, द टाइम इज 11:39 PM। ओह 11:30 बजे चेस खेल रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है चले शुरू करें रवि। मैं चला रहा, ठीक है चला। इतना करने के बाद भी यहाँ पे रवि जीत चुका है, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन, चेकमेट चेकमेट बाबा, फिर इसी जगह पे पार्टी हो जाए। चलाए फिर अपने डीजे को, यस, बोरियत को खत्म करें, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 गाइस मैगी खा ली, डांस भी कर लिया, अब करते हैं काम। गाइस यार काम बहुत जरूरी होता है, तो अभी रात हो रही है, रात का मस्त फायदा उठाते हैं और करते हैं एडिटिंग। एडिटिंग जरूरी है गाइस, ताकि आपके लिए नई नई वीडियोस अपलोड कर सकें।
काम हो गया, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। इट्स टाइम फॉर स्लीप। चलो सोते हैं गाइस, गुड नाइट। गाइस यार एक चीज मैं भूल गया था, हमारे पास फैन भी है और इनको यार गर्मी लग रही होगी तो फैन चला देते हैं ताकि अच्छे से सो जाए। इलेक्ट्रिक वाला फैन है गाइस, चलाते हैं। वाह यार अभी मैं भी सोता हूँ यार, टीम का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। गुड नाइट गाइस, अब गुड नाइट यार। ठीक है भैया, अभी तक भी सो रहे हैं, अभी चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चले भी सो रहे हैं, चलो भैया। आवाज तो नहीं आ रही है, तो भाई लोगों मैं जाता हूँ भैया के पास और देखता हूँ भैया लोग क्या कर रहे हैं। तो भाई लोगों पहुंच गए, देखते हैं क्या कर रहे हैं। इधर तो कोई नहीं बैठा है। ये रे भैया, ये रविंद्र सो रहा है और ये पापा सो रहे हैं इधर। भैया ओ भैया उठो उठो, धूप होगी बाहर, धूप निकल गई और आप इतनी धूप में सो रहे हो अंदर। हाँ ओ वो तेरी, आपको गर्मी नहीं लग रही इसके अंदर? अरे गर्मी क्या, रात को मैं बाहर सो गया था गलती से, मच्छरों ने 1 किलो खून पी लिया मेरा, उसके बाद में मैं जाके अंदर सोया। तो भाई लोगों रात को मैं तो लेट सोया था काफी, और मैं बाहर सो गया था लेकिन मच्छरों ने मेरा हाल बुरा कर दिया। रवि और वीरेंद्र, रवि और ये भी सो रहे हैं। बाबा अभी तक भी सो रहे हैं, टाइम क्या हो गया? ओबे तेरी 11 बज गए गाइस, सुबह के 11 बज गए और घर अभी वैसा वैसा ही, लाइटें वाइटें सब हमने रात में डेकोरेशन किया था सारी बंद हो गई है गाइस, ये सब बंद हो गए हैं। चलो बाबा को उठाते हैं, चैलेंज बस पूरा होने ही वाला है। बाबा उठ जा भाई, सब कुछ ही देर के अंदर अपन फाइनली चैलेंज पूरा कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ये तो अभी फाइनली हम बनाएंगे चाय, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। हमारे घर के अंदर एक घुसपैठिया घुस चुका है, वो रहा वहां पर, किधर गया किधर गया, ओरा घुसपैठिया, ओरा ओरा घुसपैठिया, घुसपैठिया आउटसाइडर्स नॉट अलाउड, निकल यहां से, निकल यहां से, आ रहा है, दे 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 दे, भाग यहां से, निकल निकल, वापस मत आइयो, निकल। मैं आपको उठा रहा था, गुड मॉर्निंग। ये थी रात की दोस्ती, छोड़ के चले गए रात को, है ना भाई? आप लोगों ने बोला ना चैलेंज कर रहे हैं हम तीनों ही, ठीक है देखेंगे तुम्हारा भी नंबर आएगा कभी। चलो चाय बनाते हैं अब, आ जाओ बाबा, आ जा रवि, चाय बना रहा है, चाय बना रहा है। गाइस आज पियेंगे रवि के हाथ की चाय, और पानी बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, देखो रात भर के अंदर पूरा खाली हो गया है, बस इतना सा कैंपर बचा है, इसी के अंदर से चाय बनानी है। चीयर्स रवि, चीयर्स। तो गाइस एक और घुसपैठिया हमारे पास आ चुका है हमारा साथ निभाने के लिए। तो गाइस ये चाय शाय हो गई है, अब बारी है थोड़ा नहाने की, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार। एक दो दो तीन शक्तिमान। लोगों का सपना होता है कि झील के किनारे उनका घर हो, हमारा घर तो झील के बीचों बीच में है। अब जाके चेन आए, हमारे गर्मी बहुत तेज हो रही है यहाँ पे धूप की वजह से, और दिए नीचे आ रहे हैं, दिए नीचे आ रहे हैं। ये पावर हट जा।
अबे तेरा तो रांधे दे पैर फंस गया और फंस गया चल तेरी तो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। पानी में बैठ जा रवि बुड्ढे में। ओम नमः शिवाय। बस यही नहाऊंगा मैं ऐसे ही ऐसे। गाइस यार पानी के अंदर नहाने का एक फायदा ये होता है कि उसके अंदर नहाते नहाते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कल से हम नहा रहे नहाते जा रहे नहाते जा रहे नहाते जा रहे आज भी जी भर के लाए। लेकिन लेकिन कमाल की बात ये है कि अब जो हमारा चैलेंज है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ मात्र कुछ ही सेकेंड के अंदर जो चैलेंज है वो कम्प्लीट हो जाएगा। हमें पूरे 24 घंटे इस घर के ऊपर हो जाएंगे। कैसा लग रहा है रवि? चैलेंजिंग काफी। इसमें क्या चैलेंजिंग था? नहा रहे हो तुम तो खाना खा रहे हो दूध पी रहे हो चाय पी रहे हो। साहब का क्या खतरा? तेरे को खाया साहब? अभी देख मेरे लगी है चोट तो। लेकिन कमाल की बात ये है कि अभी चैलेंज पूरा होने वाला है तो हम जब तक किनारे तक पहुंचेंगे तब तक जो टाइम है वो भी हो जाएगा। तो टीम को बोलते हैं लोंडो बाहर निकालो। कितना ही कुछ भी हो गाइस घर जाने की फीलिंग घर जाने की होती है और फाइनली अब हम जा रहे हैं घर पे। ये कैसा है भाई? याद तो नहीं आई हमारी? नहीं याद ही नहीं हमारी। लेकिन हम तो फाइनली पहुंच गए। ये हम अब जमीन पे कदम रखेंगे गाइस। एक दो सेकंड ऊपर ही हो गया है हम टाइम देख रहे थे और ये अब हम रखने वाले हैं जमीन पे कदम। तो गाइस यार वैसे जनरली हम जब चैलेंजेस करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे चैलेंजेस खतरनाक भी होते हैं काफी रिस्क भी होती है। लेकिन शुरुआत में तो इस चैलेंज के अंदर भी हमें लगा था कि थोड़ी बहुत रिस्क हो सकती है सांपों वगैरह का ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये देखो अब मजे लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था गाइस जिसके अंदर मैं बहुत मजा आया। कब 24 घंटे निकल गए हमें पता ही नहीं चला क्योंकि पास में पानी है। जैसे ही बोर हुए कूद गए। म्यूजिक का सारा सिस्टम ने ले रखा था बिल्कुल एक ऑसम वाली फीलिंग गाइस। सब आपकी वजह से। आप नहीं कहते तो हम ये चैलेंज भी नहीं करते इस एक्सपीरियंस से दूर रह जाते। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। ये 24 आवर चैलेंज पे खत्म होता है तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम इस घर को अभी नहीं रखेंगे रोज शाम को आएंगे और बैठ जाएंगे। बाय बाय।